गुल्ली बुली और सोहन आज रेलवे स्टेशन पर आए होते हैं क्योंकि ये लोग ट्रेन पकड़कर अपने चाचा के यहाँ जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली आखिर ट्रेन कब तक आएगी? तुमने तो बोला था कि कुछ ही देर में आने वाली है ट्रेन। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है और अब हमें 2 घंटे तक यहाँ पर बैठकर इंतजार करना होगा क्योंकि अब ट्रेन 2 घंटे बाद ही यहाँ पर आएगी और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये बात थोड़ी ना पता थी कि भला ट्रेन लेट हो जाएगी और मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि ट्रेन लेट है। और अगर मुझे पहले से ही पता रहता तो मैं तुम लोगों को जल्दी करने के लिए नहीं बोलता। जिस पर सोन बोलता है, बुल्ली तुमने बेकार में ही हम लोगों को हड़बड़ा दिया था, वरना मैं अपना सारा कपड़ा लेकर आया होता। अब बोलो तो हम लोग चाचा जी के यहाँ क्या पहनेंगे? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सोन तुम टेंशन मत लो, चाचा जी हम लोगों को कपड़े खरीद देंगे और जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक हम लोग चलो यहीं कहीं बैठकर अंताक्षरी खेला जाए। और फिर सोन इधर उधर बैठने की जगह देखने लगता है, तभी अचानक से इन लोगों को ट्रेन की आवाज़ आती है जिससे ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेन ही यहाँ पर आखिरी आने वाली ट्रेन थी। तो फिर आखिर ये कौन सी ट्रेन है? उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे बोलता है, बुल्ली तुमने तो बोला था कि ट्रेन 2 घंटे बाद आएगी, तो फिर आखिर ये कौन सी ट्रेन है? जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे भी ये नहीं पता कि आखिर ये ट्रेन यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गई क्योंकि स्टेशन पर हमारी ट्रेन आखिरी आने वाली ट्रेन थी। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है और ये जो ट्रेन है यही हमारी ट्रेन है जिस पर बैठकर हम लोगों को चाचा जी के पास जाना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर आ गई। हो सकता है कि ट्रेन ने अपनी स्पीड कवर अप कर ली हो या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया हो, ट्रेन लेट ही ना हो। और फिर सोन बोलता है, अरे जल्दी से चलो ट्रेन में बैठो वरना ये ट्रेन चल देगी, सभी लोग इस ट्रेन में जाकर बैठ रहे हैं, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। और ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं और फिर ये लोग जाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। और फिर सोन पूछता है, बुल्ली आखिर ये ट्रेन कब चलेगी? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सोन रुको, जरा सब्र करो, अभी तो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, अभी ये ट्रेन कुछ देर तक यहीं पर रुकी रहेगी, उसके बाद चलेगी। और कुछ देर बाद वो ट्रेन चलने लगती है। अरे ये तो कोई और ट्रेन है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन तो किसी और ट्रेन में बैठे थे, तो फिर आखिर ये ट्रेन कैसे बदल गई? लगता है इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है। और कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही सो जाते हैं क्योंकि ये लोग सुबह से ही काफ़ी थके हुए होते हैं और इसीलिए ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। पर कुछ ही देर में इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इनकी चैन की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगी और ये लोग इस रात को अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और कुछ देर बाद गुल्ली की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो अपनी सीट से उठ जाता है और वो बुल्ली और सोन को देखने लगता है जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये चीखने की आवाज़ कहीं और से आ रही है। और फिर वो उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है पता लगाने के लिए कि भला आखिर इतनी रात को कौन चीख रहा है, अरे ये आदमी कौन है और इसने कैसा मास्क पहना है और ये इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा है, अरे इसके हाथ में तो एक चाकू है, लगता है ये इस चाकू से इस लड़की को मार डालेगा। और उसके हाथ में चाकू देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और फिर वो आदमी उस लड़की का गला पकड़ लेता है, उसके बाद वो उस चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है और चाकू के लगने से वो लड़की बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, लेकिन वो किलर इतनी आसानी से मानता नहीं है। उसके बाद वो उस लड़की का सर पकड़ लेता है और यहाँ पर गुल्ली ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो किलर एक के बाद एक उस लड़की के पेट में वार करते जाता है और वो लड़की इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाती है और वो किलर के वार को सह रही होती है। गुल्ली ये सब देखकर बहुत ही सहम जाता है क्योंकि वो किलर रुकने का नाम नहीं लेता है। और फिर अचानक से वो रुक जाता है और तभी अचानक से गुल्ली के सामने एक जोकर आ जाता है जिससे गुल्ली की नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये सब गुल्ली का एक बुरा सपना था और गुल्ली इधर उधर देखकर शांत हो जाता है और वो फिर से सोने चला जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही जोकर है जो कि गुल्ली के सपने में आया था और वो जोकर गुल्ली को ही देख रहा होता है। अरे ये क्या, इस जोकर ने तो एक लड़की को पकड़ कर रखा है और लगता है कि ये इसे गुल्ली को दिखाकर मार डालेगा ताकि ये गुल्ली के अंदर और भी डर पैदा कर सके। और गुल्ली बेचारा है ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो अभी स्टेशन पर ही है, इसका मतलब गुल्ली ये भी एक सपना ही देख रहा था।
और गुल्ली बेचारा अभी काफी डरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, बुल्ली और सोन जल्दी से उठो वरना ये जोकर हम लोगों को मार डालेगा। गुल्ली तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों चीख रहे हो, बुल्ली गुल्ली से बोलता है, जिससे गुल्ली की नींद टूट जाती है। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है, और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली जल्दी से चल कर ट्रेन में बैठो वरना ट्रेन चली जाएगी। सोन ने सारा सामान ट्रेन के अंदर रख दिया है, चलो जल्दी से ट्रेन में वरना ट्रेन छूट जाएगी। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली क्या हम लोगों ने सामान लाया था, जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली हम लोगों ने सामान लाया था और सोन ने सभी सामान को अंदर भी रख दिया है। और फिर गुल्ली पूछता है, बुल्ली क्या हम लोगों की ट्रेन 2 घंटे लेट नहीं है, क्या हम लोगों की ट्रेन टाइम पर है, जिस पर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम ये पागलों जैसे क्या सवाल कर रहे हो, हम लोगों ने सामान भी लाया है और हम लोगों की ट्रेन टाइम पर है बिल्कुल, और तुम ऐसे ही ड्रामे करते रहोगे तो हम लोगों की ट्रेन जरूर छूट जाएगी, इसलिए चलो जल्दी से चुपचाप अंदर बैठो। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ही गर्म है क्योंकि चंपू अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और मुझे लग रहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो नहीं आएगा, जिस पर गुल्ली बोलता है, दरअसल बात यह है कि मैंने अभी एक बुरा सपना देखा था और इसीलिए मैं तुमसे ये सब सवाल कर रहा था। खैर छोड़ो ये सब बातें, पर क्या तुमने चंपू को फोन किया, आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, उसी के बोलने की वजह से हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया और अब अगर वही नहीं आएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। हाँ गुल्ली मैंने उसे काफी बार फोन किया लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बुल्ली मैं तो बोल रहा हूँ चंपू को गोली मारो, चलो हम ही लोग अकेले घूमने चला जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही उस लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसके बाद सोन बोलता है, देखो गुल्ली और बुल्ली अब से इस बात का ध्यान रखना, अब हमें चंपू कहीं भी घूमने के लिए बोले तो हमें उसे मना कर देना है क्योंकि हमेशा वो घूमने का प्लान बनाता है और बाद में जब हम लोग राजी हो जाते हैं तो खुद मना कर देता है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। हम लोग आकर यहाँ पर ट्रेन में बैठ गए हैं लेकिन अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है और अब इन लोगों की ट्रेन भी चल देती है। उस ट्रेन में पैसेंजर्स बहुत ही कम थे इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सोन को सीट की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई और वो लोग आराम से एक सीट पर बैठे थे और एक सीट पर अपना सामान रखे थे। और फिर सोन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली तुम जरा चंपू को फोन मिलाओ तो, क्योंकि मुझे अब उसकी चिंता हो रही है क्योंकि हर बार जब भी उसे अगर कहीं नहीं जाना होता है तो भले ही निकलने के 1 घंटे पहले लेकिन वो हमें मना जरूर कर देता है, पर इस बार तो उसने हमें मना भी नहीं किया और ऊपर से हम लोग उसे फ़ोन लगा रहे हैं तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और फिर बुल्ली बोलता है, हाँ सोन मुझे भी अब उसकी चिंता हो रही है, रुको मैं अभी उसे फ़ोन लगाता हूँ, क्या पता अब उसका फ़ोन ऑन हो गया हो। और जैसे ही अपने पॉकेट से बुल्ली फ़ोन निकालने जाता है तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो तीनों ही उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो एक आदमी है जो कि फ़ोन पर किसी से झगड़ रहा होता है और ये इतनी ज़ोर से झगड़ रहा होता है कि सभी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होती है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और उन तीनों को वहाँ पर देखकर उस आदमी की पत्नी जो कि वहीं साइड में बैठी थी वो खड़ी हो जाती है और फिर वो गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ मुड़ती है और उन्हें बोलती है, मेरे हस्बैंड की वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इन्हें बहुत समझाया पर ये मान ही नहीं रहे हैं। जिस पर गुल्ली बोलता है, वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर इन्हें इतना गुस्सा आ क्यों रहा है, आखिर इनके वजह से हम सभी लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल बात यह है कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और इन्होंने अपने एक दोस्त को इनवाइट किया था पर हम लोग जब स्टेशन पर आए तब इनका दोस्त यहाँ पर आया ही नहीं और अब तो ट्रेन भी चलने लगी है इसलिए इन्होंने गुस्सा होकर अपने दोस्त को फ़ोन किया पर इनका दोस्त बोल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है तो मैं कहाँ आऊँ, भला ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो ट्रेन ही में हैं तो ट्रेन कैंसिल कैसे हो सकती है। और वो बोल रहा है कि मैंने न्यूज़ में देखा है इसीलिए इन्हें गुस्सा आ गया है, आप लोग जाइए मैं अभी इन्हें समझाती हूँ धीरे बात करने के लिए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन गुल्ली को कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए और वो लेडी अपने हस्बैंड को समझाने लगती है धीरे बात करने के लिए और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने की आवाज़ से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने सीट से उठकर उसी आदमी की तरफ जाने लगता है, लगता है अब इन दोनों में फाइट होगी। और यहाँ पर बुल्ली को चंपू का फ़ोन आता है और बुल्ली चंपू से बात करने लगता है, चंपू बताओ तुम्हें कहीं घूमना ही नहीं रहता है तो आखिर तुम प्लान क्यों बनाते हो, ये तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो ट्रेन में ही है।
देखो तुमने कोई गलत न्यूज़ देखा होगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, और फिर चंपू बुल्ली का फ़ोन काट देता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से पूछता है, क्या हुआ बुल्ली, चंपू ने क्या बोला? जिस पर बुल्ली बोलता है, पता नहीं ये भी वही बात बोल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, लगता है इन लोगों ने कोई गलत न्यूज़ देख लिया है। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर गुल्ली बहुत ही डर जाता है। तो गुल्ली उससे पूछता है, क्या हुआ बुल्ली, क्या चंपू भी वही बात बोल रहा है? जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ बल्कि चंपू तो ये बोल रहा है कि वो स्टेशन तक आया था और स्टेशन पर आने के बाद उसे पता चला कि ये ट्रेन कैंसिल हो गई है। और ये सब बातें सुनकर गुल्ली का डर और भी बढ़ जाता है। और फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सपना देखा था वो अब सच हो रहा है। क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन सच्ची में एक श्रापित ट्रेन है। जिस पर गुल्ली बोलता है, अरे गुल्ली तुम भी किन लोगों की बातों का विश्वास कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है कि चंपू कितना आलसी है और मुझे लगता है कि दूसरों की बातें सुनकर उसने ये अनुमान लगा लिया कि ट्रेन सच्ची में कैंसिल है और वो स्टेशन पर आया ही नहीं। अरे ये ट्रेन के ऊपर कौन चल रहा है, ये तो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन के कैंसिल होने वाले बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग आराम से बैठ जाते हैं और तभी ट्रेन रुक जाती है। जिस पर सोन बोलता है, अरे गुल्ली ये क्या हो गया, आखिर ये ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई? जिस पर गुल्ली बोलता है, अरे मैं इस ट्रेन का ड्राइवर थोड़ी ना हूँ जो मुझे पता रहेगा कि ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई। और फिर गुल्ली बोलता है, अरे तुम लोग क्या टेंशन ले रहे हो, ड्राइवर को टॉयलेट लग गया होगा इसलिए उसने रोक दिया होगा, चलो हम लोग तब तक सो जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं और मंजिल बहुत दूर है। और गुल्ली सोने चले जाते हैं लेकिन सोन को नींद नहीं आ रही होती है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और वो पाता है कि इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इस ट्रेन में तो वो बूढ़ा आदमी और वो हस्बैंड और वाइफ थे। और ये देखकर सोन डर जाता है। उसके बाद वो गुल्ली बुल्ली को बोलता है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। और ये बोलकर सोन अपने सीट से उठ जाता है। उसके बाद वो बाहर जाने लगता है। उसके बाद वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है और नीचे कूदने के बाद वो सोचने लगता है कि अब वो कहाँ जाए, कहीं वो इधर उधर जाए और ट्रेन वापस से चल ना दे। और फिर वो सोचने लगता है कि उन्हें ड्राइवर को देखने चला जाए कि ड्राइवर आखिर कर क्या रहा है। और फिर वो ड्राइवर के पास जाने लगता है और फिर वो कूद कर ट्रेन के इंजन के अंदर देखने लगता है कि आखिर उसके अंदर ड्राइवर है भी या नहीं। और सोन को जैसी उम्मीद थी ड्राइवर उस ट्रेन के अंदर था ही नहीं और इसीलिए तो ट्रेन रुकी हुई है क्योंकि उसे चलाने वाला ही ट्रेन के अंदर नहीं है। और फिर सोन सोचता है क्यों ना ड्राइवर को देखने चला जाए कि आखिर वो कर क्या रहा है। अरे ये क्या, ये तो एक ज़ॉम्बी है, पर आखिर ये यहाँ कैसे आया है? और सोन इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि एक ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा है और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे सोन की तरफ बढ़ने लगता है। और सही समय पर अगर सोन ट्रेन के अंदर वापस नहीं गया तो वो ज़ॉम्बी सोन को खा जाएगा। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी वहाँ से गुजरता है कि तभी उसे ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है और वो उस दरवाज़ा को खुला हुआ देखकर उसके अंदर जाने का सोचता है और फिर वो उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। और अब गुल्ली और बुल्ली की तो खैर नहीं क्योंकि इस ट्रेन से बाहर जाने के रास्ते पर तो वो ज़ॉम्बी खड़ा है और अगर ज़ॉम्बी ने इन्हें हल्का सा भी काट लिया तो ये लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो और एक ज़ॉम्बी है, इसका मतलब इस पूरे जंगल में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज है। और जैसे ही सोन वहाँ से गुजरता है तभी वो ज़ॉम्बी जो कि ट्रेन के अंदर छुपा था वो सोन का पैर पकड़ लेता है जिससे सोन नीचे गिर जाता है। और जैसे ही सोन उस ज़ॉम्बी की तरफ देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और वो धीरे धीरे रेंगते हुए पीछे जाने लगता है लेकिन वो ज़ॉम्बी भी रेंगते हुए सोन का पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर उस ज़ॉम्बी के आवाज़ से बुल्ली की नींद टूट जाती है और जैसे ही बुल्ली उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है। अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखकर बुल्ली बहुत ही डर जाता है और उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से गुल्ली की भी नींद टूट जाती है और ये दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि अब इनके पास भागने का कोई भी रास्ता भी नहीं है। और फिर वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, बुल्ली और गुल्ली की हालत बिल्कुल ख़राब है क्योंकि इनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है और अब इन लोगों को ज़ॉम्बी का शिकार होना ही पड़ेगा। और फिर वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर इससे पहले कि ये इन दोनों को मार पाए
एक गोली आकर जोम्बी के सिर में लग जाती है, जिससे वो जोम्बी वहीं पर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है, जिससे उसकी आँख की रोशनी भी बंद हो जाती है। और बुल्ली और गुल्ली ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही ट्रेन के बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। तो फिर आखिर ये गोली चलाई किसने? और फिर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली आखिर ये गोली किसने चलाई, यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस पर गुल्ली बोलता है, गुल्ली ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये गोली चलाई किसने है, लेकिन जिसने भी चलाया है उसने हमें इस जोम्बी से बचा लिया, वरना अभी हम दोनों जोम्बी बनकर घूम रहे होते। उसके बाद गुल्ली इधर उधर देखने लगता है और वो सॉन को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर सॉन कहाँ पर है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ देर पहले सॉन तो हम ही लोगों के साथ बैठा था। और फिर बुल्ली बोलता है, गुल्ली बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो गई है, हम लोग जब सो रहे थे तो सॉन ने हमें बोला था कि वो बाहर टहलने जा रहा है, लेकिन मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं उस टाइम नींद में था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने उसे जाने से मना ना करके कितना बड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि इस पूरे जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होंगे, और अगर हम लोग सही समय पर जाकर सॉन को नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि सॉन को कोई ज़ॉम्बी काट कर उसे भी अपनी तरह बना ले, इसलिए चलो गुल्ली हम लोगों को जल्दी चलना होगा। और फिर वो लोग चले जाते हैं सॉन को ढूंढने के लिए। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी सॉन का पीछा कर रहा होता है और सॉन दौड़ कर बच रहा होता है, पर तभी सॉन का पैर लड़खड़ा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, और अब सॉन को काफ़ी जोर की चोट लगी है और अब वो खड़ा नहीं हो पाएगा, और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे सॉन के पास आ रहा होता है, और जैसे ही वो ज़ॉम्बी सॉन के पास आता है तभी वहाँ पर एक वैन आती है और उस वैन से टक्कर लगने की वजह से वो ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता है। और आखिर इस ज़ॉम्बी को मारा किसने? अरे ये वैन तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। और फिर उस वैन का दरवाजा खुल जाता है, अरे ये तो रॉड है, पर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और सॉन तो रॉड को देखकर बहुत ही डर जाता है, और फिर अचानक से रॉड सॉन को पकड़ लेता है और फिर वो उसे फ्रीज कर देता है। तो दोस्तों, ये गुल्ली के ऊपर कौन सी नई मुसीबत आने वाली है और क्या ये लोग ज़ॉम्बीज से बच पाएंगे, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए और अगले वीडियो में आपका नाम जरूर आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।